वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग है हमारा KTM RC की चार्जिंग प्रॉब्लम पे। तो हम इसकी आपको दिखाएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आती है, जैसे कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, नई बैटरी लगाते हैं उसके बाद भी बैटरी चार्ज नहीं होती है। जो नई बैटरी होती है वो आपका सारा करंट जब तक उसमें होता है, जब तक के चलती है, बैटरी लो होते ही बंद हो जाती है। खोलने जा रहा हूँ कॉइल प्लेट कनेक्ट, हमने कुछ खोल रखे हैं, कुछ खोलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे खोलेंगे। तो भाई लोग, हमने इसकी कॉइल प्लेट निकाली और इसकी लंका लगी हुई है, कॉइल सड़ी पड़ी है बिल्कुल। ये देखो, एक दो तीन, तीन कॉइल शॉर्ट हो चुकी हैं, चौथी का नंबर आ चुका था। तो इसमें एक शॉर्ट हो चाहे दो शॉर्ट हो तो सारी एक साथ ही चेंज होएंगी, ये अलग नहीं होती बिल्कुल भी, ना ही रिपेयर हो सकती है। तो फिलहाल मैं इसकी कॉइल प्लेट निकालने जा रहा हूँ। तो भाई लोग, हमने एक कॉइल प्लेट निकाल ली है, आगे पीछे से शॉर्ट हो चुकी है पूरी, देख सकते हैं आप लोग पूरी की पूरी। और इधर से भी बैक साइड से इसके जो थिम्बल हैं वो भी शॉर्ट हो चुके हैं, पूरे ब्लैक हो गई है कॉइल प्लेट। तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो फिलहाल मेरे पास नई कॉइल प्लेट रखी है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई लोग, ये है हमारी न्यू कॉइल प्लेट और ये है KTM की पैकिंग में, और ये है अंदर कुछ इस तरह से सामान इसके अंदर। ये देखिए कॉइल प्लेट पुरानी कैसी है और नई कैसी है। पुरानी तो डेड है इस वजह से ऐसी है, और तो नई, तो फिलहाल मैं इसको इसमें फिट करता हूँ। भाई लोग, हमारी कॉइल प्लेट हो चुकी है फिट, और यहाँ पे ये रबड़ है इसकी, तो यहाँ पे आपको हल्की सी पेस्टिंग कर दी है एनावॉन्ड से, और ये हमने इसकी पैकिंग साफ करके नई पैकिंग लगा दी है हल्का हल्का ग्रीस लगा के। तो फिलहाल मैं इसको एक बार फिट कर देता हूँ। अब लगा लेता हूं मैं इसके नट।
हमारी कॉइल प्लेट हो चुकी है फिट, हमने सारे कनेक्शन कर दिए, इंजन वाल वगैरह डाल दिया है। तो इसमें पहले जो हम अपना मीटर लगा रहे थे टेस्टिंग मीटर, तो इसमें 12 वोल्ट दिखा रहा था, तो अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कितना दिखाएगा ये। तो ये हमारी बाइक होगी ऑन। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये मल्टीमीटर है और ये 20 वोल्ट पर ही चेक होगा। तो मैं आपको माइनस प्लस दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, ये आपके सामने ये हमारी चार्जिंग का करंट बिल्कुल बराबर आ रहा है। पहले हमारा 12 वोल्ट आ रहा था, अब 14 वोल्ट आ रहा है। तो फिलहाल वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।